नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। विश्व युद्ध की तैयारी। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है। रूस ने यूक्रेन पर तीन तरफा हमला कर दिया है और तीनों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कह रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसका असर दुनिया भर के अलग अलग देशों में पड़ने वाला है। भारत भी इसमें शामिल है। पहले इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह है। आगे इस पर खास चर्चा जारी रहेगी। आखिर उसकी शुरुआत हो ही गई जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी थी। रूस और यूक्रेन में महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हमला सबसे पहले रूस ने किया और देखते ही देखते रूस यूक्रेन में जारी तनाव अब जंग में तब्दील हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना को यूक्रेन में हमले के आदेश दिए और रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। दरअसल रूसी सेना ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर बम बरसाए। युद्ध के ऐलान के साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने खून खराबा से बचने के लिए यूक्रेन सेना से हथियार डालने की भी अपील की, लेकिन यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेकने से इनकार कर रहा है। इसी बीच यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दूसरी बार आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का ऐलान करते हुए बड़ी धमकी भी दी। अपने बयान में पुतिन ने कहा है, बाहर से जो कोई भी इसमें दखल देना चाहता है, अगर वह ऐसा करता है तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगते होंगे। उन्होंने आगे कहा, सभी जरूरी फैसले ले लिए गए हैं। आशा है आपने मुझे सुन लिया होगा। आपकी आपातकालीन स्पीच में पुतिन ने कहा है कि यह विवाद हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। यूक्रेन लाल रेखा को पार कर रहा है। वो बोले, यूक्रेन नियोनाजी का समर्थन कर रहा है, इसलिए हमने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस की हार हरकत पर हमारी नजर है और हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम से पल पल की खबरें ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम नाटो देशों के साथ भी तालमेल बना रहे हैं। अब ऐसे में साफ है कि दुनिया भर के लोगों की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ है। बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना किसी वार्ता के हमला कर दिया। रूस के इस आपत्तिजनक हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। एटीएम पर लंबी लाइनें हैं। एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और लोग उन शहरों से दूर जा रहे हैं जो कि रूस से सटे हुए हैं। वहां से अपनी जान बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वहां पर जो भारतीय मूल के स्टूडेंट्स थे उनकी वापसी की बात करें तो एयर इंडिया का विमान पहुंचा और तमाम जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें वापस लेकर आया है। ऐसे में भारत की स्थिति क्या है? देखिए, रूस की दोस्ती जो है भारत से बहुत अच्छी है, लेकिन यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि आपका रसूख है, आप बोलिए, आप बोलेंगे तो यह युद्ध टल सकता है। हालांकि इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति सामने आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है। और साथ ही साथ यूक्रेन के जो लोग हैं
उनको कहा है कि आप अपनी रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार अब उठा लीजिए, अब वक्त है हथियार उठाने का। ऐसे में ये तस्वीरें भयावह हैं, हर कोई डरा हुआ है क्योंकि इसका असर सिर्फ और सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शेयर मार्केट में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। सेंसेक्स जो है वो 2000 अंक से नीचे जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना असर होने वाला है। संत पाल राघव डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संत पाल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी संत पाल जी, तीसरे विश्व युद्ध की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर यूक्रेन के बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत ही भयावह तस्वीर। क्या अंजाम होने जा रहा है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं अब? जी देखिए, ये एक लिमिटेड वॉर है। जो रशिया चाहता है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो सरेंडर कर दे, नंबर वन। नंबर टू, जो उन्होंने प्लेन को गिराया है, यूक्रेन ने भी एक समर्थ कंट्री है, बट इक्विपमेंट, फायर पावर और डिफेंस जो है वो इतना इनका मजबूत नहीं है, बिकॉज इन्होंने इसकी कोई तैयारी नहीं की। नाटो पर ये डिपेंड है। अभी जो है वर्ल्ड की जो है जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जो प्रेजेंटली जो है वो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। तो फिर भी इसके बावजूद भी यूक्रेन ने बहुत शक्ति दिखाई है, जो इनके 5 एरोप्लेन जो है फाइटर जो है इनको शूट डाउन किया है। और जो है उसको पूरा राइट है अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा यूक्रेन ने जो उसके दो हिस्से जबरदस्ती से उन्होंने खाली करा लिए, पे जो बॉर्डर की जो फोर्सेस लगा दी है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूं और ये यूएन जो है इसका ड्रास्टिक स्टेप ले, बिकॉज ये इफेक्ट करेगा इकोनॉमिकली इंडिया को और दूसरे विश्व के देशों को भी। और ये एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, अगर किसी देश को जबरदस्ती उसको जो है तो यूएन को आगे आना चाहिए और लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज को वो आगे आना चाहिए और इसका जो है यूएन को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए। सैंक्शन लगाने तो है, लेकिन सैंक्शन के अलावा भी जो उनका एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी है, जो विस्तारवादी थ्योरी है, उस पर भी इनको जो है अंकुश लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो तमाम जो देश हैं उस पर अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, 2000 सेंसेक्स नीचे गिर गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नाटो संगठन है और जो यूरोपियन संघ है वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बैठकों का दौर जारी है, उसके बावजूद भी हल तो कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक तीनों तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अब वक्त है हर एक व्यक्ति को हथियार उठाने का, यानी कि यूक्रेन भी झुकने वाला नहीं है। जी देखिए, यूक्रेन ने पहले भी आवाज उठाई है, विश्व से सहायता मांगी है डिफेंडिंग करने के लिए, क्योंकि अगर रशिया को कंपैरेटिवली करें तो वो लोग रशिया काफी पावरफुल है। लेकिन यूक्रेन का जो है वर्ल्ड पूरा देख रहा है, अमेरिकन पॉलिसी नाटो को वहां पे डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी वो उन्होंने ओवरलुक किया है। बिल्कुल। तो अभी जो स्थिति है, यूक्रेन ने फिर भी जो है अपनी अखंडता के लिए अपने जो है रिटेलिएट किया है और उनके 5 फाइटर को जो गिराया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी से जो है पूरे विश्व जो है वॉर जो होगी बड़ी लिमिटेड वॉर होगी, बट ये गलत मैसेज जा रहा है पूरे विश्व की कम्युनिटी को
हम एक सिविलाइज कंट्री में है, 21st सेंचुरी के अंदर है। इस तरह की जो विस्तार नीति है उसके लिए पूरे देशों को इकट्ठा होना चाहिए और यूएन में ये मुद्दा लेके ये उनको रशिया को एक पूरा सबक सिखाना चाहिए। इसके अलावा देखिए संतपाल जी, जो अमेरिका की भूमिका है वो काफी अहम इस युद्ध में देखी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ने अपने 3,000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। रूस से हमेशा से ही कट्टर जो रहा है अमेरिका, वो तो सबको पता है, वो विश्व चर्चित है, लेकिन यूक्रेन में अपने सैनिक भेजना 3,000, कहीं ना कहीं कहा जाए तो और ज्यादा इस आग को हवा देना है। जी देखिए, जो विवाद चल रहा था पीछे वो नाटो ट्रूप्स पे चल रहा था, अमेरिका ने वहां पे किया, लेकिन उसका कोई प्रभावी रिजल्ट नहीं आया। ये सोलो फोर्स थी और उन्होंने एक ओपिनियन भी बनाई, अमेरिका सामर्थ्य है और उनकी फोर्सेस, नाटो फोर्सेस सामर्थ्य है इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, लेकिन ये उनकी इंटरनल पॉलिसी कहे हैं हम, उन्होंने कोई प्रभावी कदम नहीं लिए और यूक्रेन भी देख रहा है कि भी हमें कोई मदद मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, संतपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है, यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छा खासा रसूख रखते हैं विश्व स्तर पर, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें कुछ बोलना चाहिए। क्या लगता है, भारत यूक्रेन की मदद करेगा? क्योंकि रूस का तो पहले से ही दोस्त रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन का समर्थन करता है तो कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाया जाएगा, ये भी सच है, इससे हम आंखें नहीं बंद कर सकते। देखिए, जो पॉलिसी है इंडिया की नॉन अलाइनमेंट फॉरेन जो पॉलिसी की जो प्रिंसिपल है, इंडिया ने जो आवाज उठाई है, हमेशा जो उठाई है, वो बड़ा निष्पक्ष तरीके से और मानवता के प्रति जो है आवाज उठाई है। और इस बार भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, इंडिया जो है अपनी नजर बनाए हुए है और राइट मोमेंट पे आने पे इंडिया जो है अपना प्रेजेंस दिखाएगा और हमारे जो भी नागरिक है उनको ऑल्टरनेट निकाल दिया है कुछ को सुरक्षित, और जो दूसरे रूल एयर स्पेस जो बंद हो गया है यूक्रेन का, उसको भी हम दूसरे रास्तों से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेटिकल मिशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनसे हम अपने व्यक्तियों को, नागरिकों को सुरक्षित निकालें। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे संतपाल जी, कि यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। ये बात है 1939 से 1945 तक की, और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली थी। सही मायने में ये भाई भाई की लड़ाई है, लेकिन इसका असर विश्व स्तर पर पड़ने वाला है। भारत क्योंकि दोस्त दोनों का ही है, क्योंकि यूक्रेन से भी अच्छा खासा जो व्यापार है, जो भी आयात निर्यात है वो होता है, रूस से तो काफी समझौते हो ही चुके हैं, ऐसे में भारत पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? जी देखिए, अगर रूस की आप ये देखें, हमारा जो ट्रेड है वो यूक्रेन के साथ, हमारा ही नहीं और भी विश्व के दूसरे देश है उनसे काफी इम्पोर्ट आते हैं और एक्सपोर्ट कम है, और इसके अलावा उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास काफी है और बड़ा समर्थ देश है, उनके अपने रिसोर्सेज, इकोनॉमी, जीडीपी, तो यूक्रेन एक बड़ा विकसित और विकासशील देश है, तो इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व में पड़ेगा। जितने भी लोग इनके साथ में व्यापार कर रहे हैं, देश के प्रति इम्पोर्ट और जो इंडिविजुअल जो बिजनेस कर रहे हैं उनका सबका इसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और नेबरिंग कंट्री का भी। बिल्कुल, आप ये देखें जब वॉर जोन में जाने के लिए जो बड़े जो बॉर्डर्स क्लोज है उनका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा संतपाल जी। और इसके अलावा 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं, एटीएम पर लंबी लाइनें हमें देखने के लिए मिल रही है, ड्रोन के माध्यम से भी हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर जो बमबारी है वो हो रही है, लोग जो है वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तो कह दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि अब हथियार उठाने का समय है, हथियार उठा लीजिए, लेकिन यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसे बड़ी सेना है ना ही आधुनिक हथियार है। ऐसे में यूक्रेन के सामने अगर ये युद्ध चलता है 3 से 4 दिन तो घुटने टेकने के अलावा कोई और विकल्प? जी
देखिए जो यूक्रेन ने अभी रिटेलिएट किया है, बड़ा अच्छा रिटेलिएशन किया है, उन्होंने उनके 5 एरोप्लेन को, फाइटर्स को शूट डाउन किया है। बिल्कुल। देखिए उनकी अपनी पॉलिसी जो है, जो रशिया बोल रहा है इनको सरेंडर करने के लिए, वो अभी दे आर नॉट सरेंडरिंग, वो अभी सरेंडर नहीं कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। जो भी उनकी क्षमता है उसका वो जवाब दे रहे हैं और अपने डिप्लोमेटिकल मिशन के थ्रू भी उनका जो है वो भी सहायता मांग रहे हैं लोगों से और एक ओपिनियन बना रहे हैं, वर्ल्ड ओपिनियन, कि रशिया जो है वहीं पे ब्लॉक हो जाए। ऑलरेडी उन्होंने 2 जगह उनको ऑक्यूपाई कर ली है, तो ये उनके लिए यूक्रेन को जो है अपनी देश की एकता अखंडता के लिए पूरी जो है जान की बाजी लगा रहे हैं और वो इसका जवाब दे रहे हैं। जी संतपाल जी, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि भारत अपनी भूमिका किस तरह निभाने वाला है, क्योंकि अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो नुकसान हर किसी का है, किसी एक देश का या किसी रूस का या यूक्रेन का नहीं, बाकी जो देश है उनका भी है। जी देखिए, भारत ने अपनी जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी नंबर 1, और इंडिया का जो है वेट एंड वॉच का है, बिकॉज रशिया से भी हमारे मधुर संबंध है और रशिया हमारा पार्टनर रहा है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी बैलेंस पोजीशन लेगा इंडिया। अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं और जो भी लेंगे, बड़े निर्णय लेंगे, जो गवर्नमेंट जो लेगी वो बड़े बैलेंस तरीके से लेगी, क्योंकि हमें रशिया का भी हमारा इंटरेस्ट देखना है, हमारे बहुत एग्रीमेंट है, बहुत सारे समझौते हैं, बहुत समझौते हैं जिनको देखना होगा भारत जी, को। उनको बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ में एक निर्णय लेना होगा। चलिए ठीक है संतपाल जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। डिप्टी एडिटर काविंद्र चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। काविंद्र, तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है, विश्व भर कहीं ना कहीं परेशान है, विश्व भर के देश, ऐसे में भारत की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। रूस के साथ बेहतर संबंध, यूक्रेन के साथ काफी अच्छा खासा संबंध रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यूक्रेन पीछे रह जाएगा, क्योंकि यूक्रेन मदद की गुहार लगा रहा है। अगर भारत यूक्रेन के साथ जाता है तो इसके अलावा यहाँ पर चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है, तो ऐसे में भारत की स्थिति क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो काजोल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी ठीक है काजोल जी, मैं देखिए सबसे पहले तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि इंडिया का क्या रुख रहने वाला है, क्या कुछ इंडिया करने वाला है, क्या डिप्लोमेटिक हिसाब किताब होगा या फिर जो रुख होगा वो कड़ा रुख होगा, किसके साथ जाएगा किसके साथ नहीं जाएगा, इसको लेकर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, कुछ भी इसको लेकर अभी तक इंडिया का वर्जन जो है वो सामने नहीं आया है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है काजोल कि इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि जब घर पर लड़ाई होती है, दो भाइयों के बीच लड़ाई हो, बड़ा भाई है छोटा भाई है, बड़ा भाई ताकतवर है छोटा भाई कमजोर है, तो जाहिर सी बात है बड़ा भाई छोटे को कभी भी पीट देगा, लेकिन दो भाइयों की लड़ाई में अड़ोसी पड़ोसी ज्यादा मजे लेते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही, अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में बताएंगे, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के जो राष्ट्रपति हैं, दरअसल नाम भी दोनों के सेम ही है, जो हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, एक तरफ व्लादिमीर साहब है तो दूसरी तरफ व्लादिमीर साहब है, ये दोनों का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन अगर हम हिंदी में करें तो दोनों का ही व्लादिमीर प्रोनाउंसिएशन है। तो इसके बाद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बड़ा सिंप्लीफाइड सा है कि दरअसल जो यूक्रेन था काजोल जी, यूक्रेन दरअसल कभी आजाद हुआ ही नहीं था, सोवियत संघ जब टूटा था 1991 में, इसके बाद से लेकर 2014 तक की मैं बात करूं तो रशिया के कंट्रोल में ही था, लेकिन जब हम, मैं बता दूं कि जो पिछले राष्ट्रपति थे यहाँ के, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ज़ेलेंस्की इनका नाम था, यनुकोविच, तो यनुकोविच जो थे वो दरअसल रशियन पपेट कहा जाता है, वो रशिया के पपेट थे ऐसा बताया जाता है। तो यनुकोविच जो थे उनसे लगातार मांग की जा रही थी कि आप यूरोपियन यूनियन के लिए वोट करिए, लेकिन वो नहीं गए उस पे, उन्होंने रशिया का साथ दिया लगातार, ऐसे में उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया, अब वो रशिया में रहते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है काजोल जी, ये दरअसल जिसको अगर हमारे हिंदी के दर्शक समझेंगे तो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट की तरफ से समझ पाएंगे। आज का जो यूक्रेन है वो दरअसल अपनी आजादी की मांग कर रहा है और वो आजाद होना चाहता है, वो रशिया से पूरी तरह से आजाद होना चाहता है। लेकिन इसमें एक और चीज यहाँ पर समझनी होगी कि आजादी तो आप मांग रहे हैं लेकिन पावर फैक्टर नहीं है उतना आप लड़ने की क्षमता नहीं है आपके पास ना, आप नाटो के दम पर अगर उछलने की कोशिश भी करेंगे, जैसा कि लगातार जनत विवाद ही शुरू ऐसे हुआ कि आपने नाटो कहा कि हम नाटो की तरफ जाएंगे, आपने कहा नहीं नहीं क्रीमिया को नहीं देंगे, लेकिन जो आपको भौगोलिक जो संरचना है अगर इसमें ईस्ट को देखेंगे काजोल,
यूक्रेन की जब हम देखते हैं ग्राफ को, जब ज्योग्राफिकल लैंड देखते हैं, तो जो पूरा ईस्ट है वो दरअसल रशियन लोगों से ही भरा हुआ है। रशिया को जो लोग पसंद करते हैं, जो रशिया की सोच वाले लोग हैं, वो पूरे ईस्ट में भरे हुए हैं। वही अगर वेस्ट वाले जो लोग हैं वो वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, वो जर्मनी की तरफ भाग रहे हैं, इन लोगों की तरफ भाग रहे हैं, वो यूरोप की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो ईस्ट कंट्रीज हैं वो सब रशिया से भरी हुई है। और दूसरी चीज एक और है कि यूक्रेन की जो जनसंख्या है उसमें अगर हम देखेंगे तो 6 लोगों में से एक व्यक्ति आपको रशियन एथनिसिटी का मिलेगा, और हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति जो है वहां पर रशियन बोलता है। तो ऐसे में रशिया को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, यही समस्या है कि वहां पर आंतरिक जो लोग हैं वो दरअसल रशिया को पसंद करते हैं, और रशिया इस चीज की लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहता है कि उसका जो होल्ड है वो बरकरार रहे और यूक्रेन जो है उसके अंदर से जाए ना। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है काजोल कि किसी तरीके से अब आजादी का वक्त है, अब हमें आजाद। बिल्कुल काविंद्र, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि जब दो भाइयों की लड़ाई होती है तो पड़ोसी ज्यादा इसमें कूदते हैं और हर्षोल्लास करते हैं। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, 3,000 सैनिक जो हैं यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिए हैं। देखिए, अगर यूक्रेन को अगर हम समझे तो रूस जितनी बड़ी सेना यूक्रेन के पास नहीं है, ना ही उतने आधुनिक हथियार हैं और ना ही ये कहें कि सैनिक उतने ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। 5 ऐसे फाइटर जेट थे जो रूस के, जो यूक्रेन ने पूरी तरह से धराशाही कर दिए हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो अब आगे स्थिति और गंभीर होती है तो क्या लगता है, यूक्रेन घुटने टेक देगा या ये ताकत आखिरी दम तक बरकरार रहेगी? देखिए, क्योंकि काजोल जी हिंदी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं तो इनके लिए जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि एक होती है ताकत और एक होता है जुनून, एक होता है पागलपन। तो सबसे पहली चीज तो यह है यूक्रेन के साथ कि यूक्रेन जो है दरअसल रशिया से किसी भी कुछ भी कर ले, A to Z, कोई भी शाम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, कुछ भी कर ले, लेकिन अभी लड़ने का जो बराबरी वाला जो फैक्टर है उसमें कहीं भी नजर नहीं आता है। चाहे कोई भी कंट्री, ये बात यूक्रेन भी समझता है कि जो भी कंट्री अगर उसका साथ देगी तो कुछ ना कुछ उससे लेगी जरूर, कुछ ना कुछ उसका पीछे स्वार्थ जरूर यहां पर होगा। तो रशिया से अगर लड़ाई में अगर यहां पर अमेरिका भी साथ आ रहा है यूक्रेन के, तो अमेरिका वही है जिसके खिलाफ एक बार यूक्रेन भी खड़ा था, तो यूक्रेन भी एक समय पर अमेरिका के खिलाफ था। और साथ ही साथ जो समय है वो दरअसल परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। एक कीव का बार बार जिक्र किया जा रहा है, एक समय ऐसा था काजोल की कीव जो था वो मॉस्को से ज्यादा मजबूत था, लेकिन 1994 में जो हथियार थे वो वापस कर दिए गए, तो अब मॉस्को जो है इस स्थिति में है। लेकिन आज की अगर पोजीशन की हम बात करें तो चाहे नाटो देश साथ आ जाए, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश साथ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यूक्रेन लड़ नहीं सकता है। बातचीत के टेबल पर ही चीजों का सुलटाया जा सकता है, संभाला जा सकता है, लड़ नहीं सकता है यूक्रेन। कुछ भी, कोई भी अगर कोई भी एक हाइपर वॉर टाइप के लोग होते हैं जो वॉर को हाइप करने की कोशिश करते हैं, वो लगातार इस बात की बातें करेंगे कि नहीं, यूक्रेन राष्ट्रवादी सोच के साथ आ गया है, वो लड़ेगा, रशिया से लड़ेगा। लड़ नहीं सकता वो रशिया से, किसी भी कीमत पर नहीं लड़ सकता। अगर रशिया चाहेगा तो यूक्रेन को रातों रात काफी टेंशन क्रिएट कर, क्योंकि यूक्रेन के अंदर के जो लोग हैं वो भी रशियन, मोस्टली रशियन है, एथनिसिटी वही है, लोग वही है, तो लड़ाई मुमकिन नहीं है। लड़ाई को सुलझाया जा सकता है, संभाला जा सकता है, बस। कैसे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि बातचीत बहुत बार हो चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि पुतिन और बाइडेन के बीच भी बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। नाटो जो संगठन है वो भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, यूरोपियन संघ जो है वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि मदद की गुहार लगाना भी जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन उतनी बड़ी ताकत नहीं है, रूस के आगे वो टिक नहीं पाएगा, ये यूक्रेन भी जानता है। हालांकि जुनूनी है वहां के लोग, तो इसी वजह से वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि आप हथियार उठा लीजिए, क्योंकि अब समय है खुद की रक्षा खुद करने का। इसके अलावा देखिए, हथियारों की अगर हम बात करें तो रूस और अमेरिका दोनों से ही भारत जो है हथियार बड़े पैमाने पर खरीदता है, एक अच्छा खासा आयात निर्यात जो है रूस और अमेरिका दोनों से ही होता है। ऐसे में भारत पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि 18,000 ऐसे मेडिकल छात्र बताए जा रहे हैं जो वहां पर रहते हैं, हालांकि कुछ की वापसी हुई है, एयर इंडिया का विमान गया था उनकी वापसी के लिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वापस लाना, वहां की स्थिति हम जान रहे हैं काविंद्र, आप भी सुबह से ही देख रहे हैं, ATM पर लंबी लाइनें हैं, एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जाम की स्थिति बन गई है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कहीं पर भी बमबारी हो जा रही है, 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं, हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। काजोल जी देखिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है काजोल जी। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी पट्टी के हैं, तो इसलिए इनको हिंदी में बड़ी आसान भाषा में समझाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहला जो आपका, आपने हालांकि कई सवाल पूछे, संयुक्त रूप से कई सवाल थे आपके, सबसे पहला सवाल जो आपने दरअसल ये कहा, जिसको अगर समझाने की कोशिश करेंगे, आपने कहा कि कई दफा बातचीत तो की गई है, लेकिन ये स्थिति क्यों आ गई कि लड़ाई होनी ही होनी है।
लड़ाई क्यों हो रही है आज, वॉर की स्थिति क्यों आई है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि उत्तर प्रदेश या बिहार साइड हम चले जाएंगे अगर, तो वहां पर जमीन की मेड़ को लेकर भी लड़ाई हो जाती है। तो जमीन की मेड़ को लेकर जो लड़ाई होती है गांव देहात में, वही लड़ाई है ये, इससे इतर कुछ नहीं है, बस इसका बड़ा स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि यूक्रेन में जो जमीन है, जो ईस्ट यूक्रेन है या फिर जो नीचे हम चले जाएंगे क्रीमिया है, ये जो जगह है इनमें अभी थोड़ा सा संक्षेप में समझाइएगा क्योंकि वक्त की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो दरअसल ये जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जब कोई भी देश दो भागों में टूटता है, जैसे भारत और से जब पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान जब अलग हुआ तो आज तक वो मांग कर रहा है कि कश्मीर जो है दरअसल उसमें हमारे लोग रहते हैं, हमको जुड़ना है। तो वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर है, इससे इतर कुछ नहीं है। बाकी जो रशिया है वो चाहता है कि यूक्रेन उसके आधिपत्य में रहे, उसके अंडर कंट्रोल में रहे, लेकिन अब यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, इतनी सी बात। बिल्कुल काविंद, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे तरीके से हमारी जो दर्शक है उनको समझाने के लिए। तो तीसरे विश्व युद्ध की जो तस्वीरें हैं वो सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में यूक्रेन कह रहा है कि अब वक्त है आगे बढ़कर हथियार उठाने का और मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन रूस के आगे यूक्रेन कितने दिन टिक पाएगा ये देखना होगा। और कौन कौन से ऐसे देश हैं वो समर्थन में आते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो वैश्विक पटल पर इस मुद्दे को लेकर बैठक करते हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन नाटो जो संगठन है, यूरोपियन संघ है और भारत से जो मदद की गुहार लगाई जा रही है उस पर क्या असर होता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।